हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोग को आज गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोले क्योंकि आज मेरा शादी है। और ये मेरा बच्चा आज जो है रागिनी का शादी है, आप लोगों ने सपना पूरा कर दिया। तो आज का प्यारा व्लॉग को ये हो चुका है दोपहर का टाइम। सारे दीदी मम्मी सब लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि अभी बिलौकी मंगाने के लिए जाएंगे हम लोग। रागिनी दीदी का बिलौकी डीजे वगैरह आ चुका है, मम्मी फिलहाल अभी डीजे को पूजने चलेंगे। चलिए जाएगा माहौल एकदम मंदिर सुन हो जाएगा। अच्छा। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ये डीजे रहा बिलौकी के लिए, जब डीजे का पूजन होगा फिर डीजे बजाया जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कई सारे व्लॉग में रागिनी दीदी के लिए जो मंडप जो यहाँ पे तैयार हो गया है। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सभी लोग जा रहे हैं बिलौकी मनाने के लिए, हमारे गांव में जितना देवी देवता है उनको पूजन करने के लिए। तो आप लोग सुहाने टाइम अभी सारा काम कर लिया है, मरवा सजाया गया है और जयमाला के लिए जो होता है ना स्टेज भी बना दिया गया है। और उसके बाद जो अभी हम नहावा के बढ़िया से फ्रेश होते हैं और नाश्ता के जो होता है ना बराती के लिए नाश्ता बनाया जाता है उसका मिठाई लेने के लिए गए थे, दही लेने के लिए गए थे। तो ये सारा नाश्ता वास्ता जल्दी से तैयार करवा देते, फिर हम लोग नहावा के बढ़िया से मिलते हैं आप लोगों से। कल मम्मी अपना इधर बात करने बिजी है, उधर नूतन दीदी है, बाकी पूजा दीदी भी इधर रेडी हो रही हैं और इधर रागिनी एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हुई है दुल्हन बनने के लिए। जी बढ़िया से नहावा के बढ़िया से फ्रेश हो चुके हैं और आपकी प्यारी में रागिनी जो दुल्हन बन चुकी है जो यहाँ से आज विदा हो जाएगी, टाटा बाय बाय, है ना। तो अभी जो है बारात आ चुका है तो चलिए बारात में दिखाते हैं कि दूल्हा किस तरीके से सज के आए हैं और कैसे आए हैं बारात लेकर के। तो गाँव का बारात आप लोग को दिखाते हैं, खासकर राजा ब्लॉक की तरफ से, है ना। बाकी मम्मी अभी टीका करेगी, छोड़ दो टीका को मत करो। We'll be right back.
गिर जाएंगे भैया, तो हिसाब से करना है मिलाने का काम। कैसे होगा दोनों मेरे मिला का काम करना होगा।
महाराज अभी का सीन क्या कि जमाला वगैरह हो चुका है, बराती को खाना खिलाया जा रहा है, फोटो वगैरह बढ़िया से शूट कर लिए। आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमारी प्यारी बहन कैसी लग रही है ना घूंघट में, और इसी के लिए ज़्यादा मेहनत की है ना। तो पप्पी ला ले लो, माथा पे। हाँ, ये हुई ना राजा लोग की बहन। सारे रस्म बाकी है जिसको पूरा करना है, जैसे मरवा में होगा, विधि विधान होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो फिलहाल के लिए अभी जो है क्लोजअप काटा जाएगा, जो दुल्हन का क्लोजअप होता है, फोटो वीडियोस बनते हैं उस चीज़ को लेकर के, मेहमान जी को और बाबू को लेकर के। तो गाइस अभी का सीन क्या चल रहा है कि हमारी प्यारी बहन रागिनी का क्लोजअप होगा, जैसे हम सब शादियों में जाते थे वीडियो बनाने क्लोजअप का, वो सीन होगा हमारे घर में अभी। और नूतन दीदी अच्छे तरीके से साफ़ कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन है ना। इधर रही सरिता दीदी, ये भी जगी हुई है क्योंकि अभी जो है गाइस शादी का टाइम हो चुका है, क्योंकि सवेरे 3 बजे 5 बजे मुहूर्त रहता है, शुभ मुहूर्त, तब जो है शादी का सिंदूरदान वगैरह होता है, जो भी मरवा पे काफ़ी सारे विध वगैरह होते हैं उस चीज़। अभी का सीन क्या है कि अब जो है मरवा में जाएंगे हमारी प्यारी बहना, और अभी विधि विधान चलेगा गाइस, और सब लोग जगे हुए हैं क्योंकि जब तक विधि विधान होता नहीं तब तक सब लोग जगते रहते हैं। तो 4-5 बजे तक विधि विधान खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है विदाई होगी, है ना। तो विदाई वाला ब्लॉग हम सोच रहे हैं ना कि अलग आपको दिखाएं। मम्मी रो रही है अभी दिखा रहे हैं। ठीक है ठीक है, बाद में रो लें, सवेरे रो लेना, ठीक है, चुप हो जा। चली बेला रागानी गे बेटी, हम आए थे राजा के विदाई चंदा ओम आलुमते ठाड़ुअते लगन के धान कुटनते हमारो एक धम पर ओम आलुमते दादा हो जानी चोरी चाचा हो जानी सुतिया मौरानी चोरिया ये ना मेरा दे दे ले जाइए ले जाने दे 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 सोना रागा सोना हमा रो भाई कर तल के पाया तैया बेटी आकी तो के कलश पर ने दुदनी सूते कलश की तो चारी भाई लाना के नाम है साथ नीता नाम है सब दुआ उहमाज करो रागिनी तीन मत ओम गंधुधा तारंग चेतना बाबा आल है सुनने वाली सब रहा है ऋषि दल मंगायो ना दल बा सुपली बा ओहे ना वो है राजा भैया बनिया तो हार ला बा
दानिया तोहार लाबा कीजर तो लाबा दे सारी भी होती वाला तो गाइस अभी का विधि क्या था, सिंदूरदान जो फाइनली अभी सबसे लास्ट विधि है। इसके अलावा जो गोसाई पे जाएंगे, पूजा वगैरह करवाएंगे, फिर सबसे लास्ट होकर विदाई का विधि। दान के दक्षिणा विषय है गौ दान है, गौ की कीमत बोलिए। अच्छा, बेटी दान यानी गौ दान ना। तो अभी का सीन ये है कि पंडित जी को दान चाहिए और इसी पे चर्चा चल रहा है अभी। तो गाइज आज जो है रागनी दीदी का शादी फाइनली हो गया है और ये व्लॉग जो है शादी के दो दिन बाद हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि जो विधि विधान का व्लॉग था उसको हम लोग अपलोड कर रहे थे और नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है वो रागनी दीदी का विदाई का है। तो शुरू से ही हम लोगों ने रागनी दीदी के लड़का देखे, फिर बहुत सारे व्लॉग हमने डाला कि रागनी दीदी का फेस रिवील, उनके हस्बैंड का, रागनी दीदी का शादी हो गया। तो हमारे जो ऑडियंस थे वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि क्या रागनी दीदी का शादी होने वाला है सच में। तो आज वैसा दिन आ गया है कि आपकी प्यारी बहन जो है घर से विदा हो चुकी है, यानी कह सकते हो हमेशा हमेशा के लिए कह दो, क्योंकि उसका वही संसार है ना पापा मम्मी, और उसका वही घर परिवार है। बस आप लोगों को क्या करना है, आशीर्वाद देना है। और मेरा एक ही मकसद था कि अपने परिवार को चलाना, और मेरा वीडियो का एक ही मकसद रहता है कि परिवार में क्या चीज़ें होता रहता है, कैसे अपने परिवार को संभाले, किस तरीके से गरीब परिस्थिति से आगे निकल करके उठे, अपने एक बेटा होने का फर्ज निभाए अपने माता पिता का, है ना। तो बस आज जो है मेरा एक सपना हो गया, वो सब YouTube से हो पाया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके ये सब अचीव मैं कर पाया हूँ और आपकी रागनी बहन का शादी जो मैं करवा पाया हूँ। और मैं क्या ही बताऊँ, बस मम्मी पापा से विचार लेते हैं, मम्मी आपका क्या कहना है, आज रागनी दीदी का शादी YouTube पेमेंट से हुआ है सब लोगों के सपोर्ट से। सब जितना भाई बहन है, जो बेटा बेटी है, सबको सब आगे बढ़ाया है, मेरे राजा बेटा का, मम्मी का, आप ही सबके आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है, वही से आपको रागनी बहन का शादी हुआ है। आज जो कार्यक्रम किया है, जो लेन देन किया है, सब आप ही सब हाथ में है, आप सब दुआ कीजिए जो लेन देन में सज जाए। और कहना यही है जो सारा बेटा सबको हम यहाँ शादी में बुलाए थे, जो अपना हाथ से बहन को दुल्हन बना करके विदा करके, अच्छा नहीं भी आए तो वो लोग व्लॉग में देख रहे थे, समझे कि आ ही चुके हैं। बस पापा आप अच्छा है, जो आप दुआ दीजिए बहन को, जो अच्छा से वहाँ अपना घर बसे, और दूल्हे राजा पसंद हुआ नहीं हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर, हमारे कमेंट कीजिए। तो बस पापा से विचार लेंगे, पापा कैसा लग रहा है कि यहाँ YouTube से पैसा कमाए और रागनी दीदी के शादी में लगाए। हाँ, ये सब लड़के बच्चे भाई बहनों की कमाल है। हाँ, उन्हीं लोगों का देन है, जो न उन लोग सपोर्ट करता करते, न हम लोग आगे बढ़ते, जैसे राजा भाई को बढ़ाए उसी हिसाब से अपना खर्च काट काट के
लड़की को निभाया गया है। वैसे ही आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, भूलिए नहीं, ताकि एक और बच्ची बचाए उसके लिए भी सहारा हो जाए। आप लोग खुश रहिएगा, खुश कीजिएगा तो आप ही लोग को खुशी में हम लोगों को आनंदित है। अच्छा, आप दोनों खुश है ना अभी? हाँ खुश है। मम्मी पापा हमारे खुश है, है ना? खुश तो है, रागनी बेटी का याद आता है। अच्छा, कोई बात, मम्मी का याद आता है, सारा भाई का जरूर याद आएगा बहन को। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो बस ये सब आप लोगों ने सपोर्ट किया और आपके राजा भाई ने जो है आज करके दिखा दिया यूट्यूब से। जो लड़का गली मोहल्ले से अभी भी शोर ताने सुना करते हैं, गांव से अभी भी सुनने को मिलता है और कई लोगों से बातें हो जाती है, हमारे वीडियोस को लेकर बोलते हैं, तो फिर भी सह लेते हैं कि चलो हमारा यही नसीब है हमारा गांव का। लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि YouTube से जितना पेमेंट कमाते अपने परिवार को चलाते हैं, एक ही पैसा अपना जेब में रखते तो वो भी काम के लिए रखते हैं, क्योंकि अपने परिवार को हमें आगे तक ले जाना। तो मेरा एक ही मकसद था कि रागनी बहन का शादी हो जाए अच्छे से, और आंखें नम हो गई थी जब आप लोग विदाई वाले ब्लॉग देखोगे तो क्या ही बताएं। बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, सब सभी लोग भर भर के आशीर्वाद दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करवाइए। और फटाफट हमारा पता है हमारा क्या एक मकसद है, और बस एक मकसद है अपनी प्यारी बहन इसको पढ़ाना लिखाना, कुछ IAS वाईएस बनवा दे इसको भी, है ना, मेरे तरह यूट्यूबर नहीं बनने देंगे, और घर को अच्छे तरीके से कर लेना, सुखी संसार बनाना और 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीवमेंट करना अपने लाइफ में। बस 1 मिलियन मेरे लिए 10 मिलियन के बराबर है, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस तरह सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।